स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। आज एक और कमाल की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। सो गाइज, व्हाट्सएप कौन यूज़ नहीं करता? आपको पता है इंडिया में 400 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं व्हाट्सएप के, जो कि बहुत बड़ी बात है। सो इस वीडियो में मैं बात करूँगा आपसे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की जो आज भी लोगों को नहीं पता है व्हाट्सएप की, इसी के साथ कुछ ऐसे फीचर्स की जो कि इसी साल लॉन्च हुए हैं या फिर इस साल लॉन्च हो सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिए एंड आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका फेवरेट फीचर कौन सा है एंड आपको कौन कौन से फीचर्स नहीं पता थे। सो गाइस, मेरा नाम है सागर बुद्धिराजा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल नॉलेज एफर्टलेस। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट फीचर की बात करें तो आप व्हाट्सएप पे देख सकते हैं कि आपने किस किस के साथ कितनी कितनी चैट करी है, कितनी कितनी फाइल शेयर करी है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे ऊपर 3 डॉट्स दे रखी हैं, उस पर टैप करके सेटिंग्स में जाना है, देन डेटा एंड स्टोरेज पे जाके स्टोरेज यूसेज में जाना है, देन आपको साइज वाइज पता चल जाएगा कि आपने किससे कितनी चैट करी है और कितनी फाइल शेयर करी है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि आप किसी पर्सन का मैसेज रीड कर लें एंड दूसरे किसी को पता ना चले कि आप ऑनलाइन आए थे या नहीं, बेसिकली विदाउट चेंजिंग योर लास्ट सीन, जी हाँ दोस्तों, इसके लिए कोई हैकिंग की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा तरीका है, इसमें आपको सिर्फ अपना फ़ोन जो है वो एयरप्लेन मोड पर डालना है, देन व्हाट्सएप पर जाके उस बंदे का टेक्स्ट रीड करके बाहर आ जाओ, देन मल्टीटास्किंग से भी हटा दो टू बी ऑन अ सेफर साइड, देन आपको सिर्फ एयरप्लेन मोड जो है वो ऑफ करना है, देन आप चेक कर सकते हैं कि आपका लास्ट सीन चेंज नहीं होगा। निब्बा निबिज, दैट्स फॉर यू। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये फीचर काफ़ी लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है। जैसे आप किसी के साथ कोई इंपॉर्टेंट चैट करते हैं या फिर कोई आपको व्हाट्सएप पे हैरेस कर रहा है तो आप चाहते हैं कि उस कॉन्वर्सेशन को आप सेफ रखें, तो आप वो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाके चैट पे जाना है, नीचे देखेंगे चैट हिस्ट्री का ऑप्शन, उस पर टैप करके आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, उसमें एक्सपोर्ट चैट में जाना है, देन चैट को सिलेक्ट करके आपको सिंपली विदाउट मीडिया या फिर विद मीडिया, जैसे भी आपको सही लगे वो करके आप ईमेल कर सकते हैं या फिर किसी और नंबर पर व्हाट्सएप भेज सकते हैं। और दोस्तों, आप किसी भी चैट को अनरीड मार्क कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे कुछ लोग बहुत बिजी होते हैं तो वो एट अ टाइम रिप्लाई नहीं कर सकते, बट वो चैट इम्पॉर्टेंट होती है एंड उन्हें रिप्लाई करना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो आप अनरीड मार्क कर सकते हैं जिससे एक निशानी लग जाती है कि आपको इस पर रिप्लाई करना है बाद में। इसके लिए सिंपली आपको चैट को प्रेस एंड होल्ड करना है, देन आपको ऊपर 3 डॉट्स दिखेंगी, वहाँ पर आप जाके आपको ऑप्शन मिल जाएगा मार्क एज अनरीड, देन आपको दिख जाएगा कि एक ग्रीन कलर का मार्क लग जाएगा जिससे आपको निशानी लग जाएगी कि आपको इस पर रिप्लाई करना है बाद में जाकर। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज ढंग से समझ नहीं आती है, तो आप एक सिंपल तरीके से आप व्हाट्सएप की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप पे उसी लैंग्वेज में रिप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सेटिंग्स में आना है, देन चैट्स में जाकर आप देखेंगे लैंग्वेजेस में काफ़ी सारी, हिंदी के अलावा भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है एंड आपको अपने फ़ोन और घर के सारे फ़ोन्स में ये ज़रूर करना है, 2-स्टेप वेरिफिकेशन। इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे आपका कभी सिम गुम हो जाता है तो कोई भी आपका सिम यूज़ करके, आपका नंबर यूज़ करके व्हाट्सएप नहीं यूज़ कर सकता। इसके लिए आपको सेटिंग्स में अकाउंट्स में जाकर आपको दिखेगा एक ऑप्शन 2-स्टेप वेरिफिकेशन का, ये ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, ये सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। अब बात करें कुछ और व्हाट्सएप फीचर्स की, तो सबसे पहले आता है डार्क मोड। जी हाँ दोस्तों, द मोस्ट डिमांडेड फीचर ऑफ व्हाट्सएप। अगर आप रात को चैट ज़्यादा करते हैं तो आपको इसे यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी आँखों पर जोर कम पड़ेगा और बैटरी भी बचेगी। नेक्स्ट फीचर काफ़ी टाइम से आया हुआ है व्हाट्सएप पे, पर मैंने काफ़ी कम लोगों को देखा है इसे यूज़ करते हुए। आप टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, स्ट्राइक थ्रू, बेसिकली आप काफ़ी तरीके से टेक्स्ट को व्हाट्सएप में मैनिपुलेट कर सकते हैं।
इरिटेटिंग लगता है ना जब आपको कोई भी आपके बिना परमिशन के किसी भी ग्रुप में ऐड कर लेता है, बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा। व्हाट्सएप में ये फीचर आ चुका है कि आपकी मर्जी के बिना, आपकी परमिशन के बिना कोई भी आपको किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता। इसके लिए आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही सेटिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो व्हाट्सएप पे कुछ चैट्स काफ़ी पर्सनल होती है, तो उससे सिक्योर करने के लिए फिंगरप्रिंट लॉक। जी हाँ दोस्तों, ऐप लॉक तो होता ही है, पर व्हाट्सएप का अपना फिंगरप्रिंट लॉक है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फीचर्स की जो व्हाट्सएप पर बहुत जल्द आ सकते हैं। और सबसे पहला फीचर काफ़ी यूज़फुल हो सकता है अगर वो आएगा तो, इसमें आप फेक न्यूज़ को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। बेसिकली अब आपको कोई भी इमेज फॉरवर्ड करता है तो आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं गूगल से, दैट इज़ इट फेक, सच है या नहीं, कब ओरिजिनेट हुई थी, यह सब कुछ। कभी कभी क्या होता है कि कोई पुरानी इमेज फॉरवर्ड कर देता है और हमें लगता है कि अभी की है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं अब। इसके अलावा इन ऐप ब्राउज़र जैसा फीचर भी आ सकता है, जिसके स्क्रीनशॉट्स ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं। जैसे आपका YouTube का लिंक WhatsApp में ही खुल जाता है, वैसे ही बाकी सारे लिंक्स भी WhatsApp ब्राउज़र में खुल सकते हैं। इसी के साथ एक बूमरैंग जैसे फीचर की भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बाहर आई है। जैसे आपको Instagram में मिलता है, थोड़े टाइम में हो सकता है कि आपको WhatsApp में भी मिल जाए। सो गाइज, ये थे कुछ टिप्स, ट्रिक्स, फीचर्स ऑफ WhatsApp जो आपको WhatsApp में अभी मिलते हैं या फिर आगे आके मिल सकते हैं। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।